हेलो गाइस, इस वीडियो में आप देखेंगे एक बाजू की डिज़ाइन। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है ये। हमारे पास 40 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़ा है। ये 40 इंच लंबा कपड़ा है, पर इसमें प्लेटें बनाने के बाद सिर्फ 10 इंच रह जाएगा। तो इस तरह से कपड़े को उठाना है, थोड़ा सा कपड़ा लेना है और इस तरह से दबा देना है। इस तरह से प्लेट बनानी है, फिर आगे थोड़ा सा कपड़ा लेना है, इस तरह से सीधा कर लेना है, फिर इस तरह से उठाना है और दबा देना है, फिर थोड़ा सा उठाना है और दबा देना है। इस तरह से प्लेटें डालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो हम सिल लेते हैं इतना, फिर प्लेटें बनाएंगे, फिर सिलेंगे। इस तरह से सिलते जाइए, प्लेटें डालते जाइए, टोटल इस तरह से करते जाएंगे। बहुत ही सुंदर बाजू बनेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को। बहुत ही सिंपल सा सिलाई है इसकी। इसी तरह से हमें प्लेट डालते जाना है। देखिए कितना अच्छा बना है हमारा प्लेट। आपके देखते रहिए कि चुनट वाला तैयार कितना इंच का हो चुका है, ताकि आगे चुनट बनाने में आसानी होगी। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे। ये हो गया हमारा सारे प्लेटें तैयार। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लेटें बनी है। अब हम इसको बाजू में अटैच करेंगे। ये हमारा बाजू है, लाइनिंग वाला बाजू है। लाइनिंग हमने पहले ही जॉइंट कर रखा है। तो इस तरह से लेंगे कपड़ा, सीधा है ये। यहाँ से हम वो प्लेटें सेट करेंगे, इसको ऐसे सेट करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो सिलते हैं, तो इसको सिल लेते हैं। पहले ध्यान रहे सिर्फ कपड़े में ही अटैच करना है, लाइनिंग को छोड़कर। इस तरह से सटाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए सिलते हैं। तो इस तरह से जॉइंट करते जाना है। तो ये हमारा हो गया जॉइंट, हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये लुक रहने वाला है। अब हमें लाइनिंग में सिलाई लगानी है। ये हाफ इंच अंदर की ओर से मोड़ते हुआ इस तरह से अंदर की ओर, देखिए सिलाई का जो हाफ इंच है एक्स्ट्रा, उसको अंदर की ओर दबाते जाना है और लाइनिंग के ऊपर लाइनिंग को मोड़ना है हाफ इंच अंदर की ओर, और बराबर से कपड़ा के बराबर से लाइनिंग को रखना है और इस तरह से सिलते जाना है। सिलाई वाला हाफ इंच अंदर रखना है, इस तरह से बैठाइए, सिल लीजिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया ये।
अब हम बाजू को फोल्ड करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच सिलाई में मार्जिन को छोड़ते हुए 4.5 इंच पे फिटिंग कर लेते हैं। ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं कैसा बना है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है पर बहुत ही सुंदर है। देखिए कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय।